नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। एप्पल ने इट्स ग्लोबल टाइम इवेंट में आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च कर दिया। सीरीज को एप्पल इंटेलिजेंस के साथ लाया गया है। इस बार सभी मॉडल्स में एक्शन बटन दिया गया है, साथ ही सभी आईफोन मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। नए आईफोन लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने पुराने आईफोन 15 और आईफोन 14 के दाम में कटौती कर दी है। जी हां, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ उससे कुछ देर पहले ही आईफोन 15 और आईफोन 14 की कीमतों में तेजी से बदलाव आया और साथ ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अगर आप सस्ते में आईफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। पुराने मॉडल्स में 10,000 से अधिक की कटौती कर दी गई है। आईफोन 16 के 128 GB वेरिएंट के लिए शुरुआती कीमत $799 और आईफोन 16 प्लस के लिए $899 निर्धारित की गई है। वहीं एप्पल का पुराना आईफोन 15 अब लगभग ₹10,000 सस्ता हो गया है। इसके लिए ग्राहकों को अब $699 यानी कि ₹58,688 128 GB वेरिएंट के लिए देने होंगे। एप्पल आईफोन 14 को भी अब $599 यानी कि लगभग ₹50,000 में खरीदा जा सकता है। ये प्राइस इसके 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। आईफोन SE को आप अब $429 तकरीबन ₹36,000 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। जी हाँ, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ उसके तुरंत बाद आईफोन 14 और आईफोन 15 के दाम तेजी से घट गए। वहीं खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इनकी खरीद में भी खासा इजाफा देखने को मिला है। एप्पल ने इट्स ग्लोबल टाइम इवेंट में आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च कर दिया। सीरीज को एप्पल इंटेलिजेंस के साथ लाया गया है। इस बार सभी मॉडल्स में एक्शन बटन दिया गया है, साथ ही सभी आईफोन मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। नए आईफोन लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने पुराने आईफोन 15 और आईफोन 14 के दाम में कटौती कर दी है। जी हां, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ उससे कुछ देर पहले ही आईफोन 15 और आईफोन 14 की कीमतों में तेजी से बदलाव आया और साथ ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अगर आप सस्ते में आईफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। पुराने मॉडल्स में 10,000 से अधिक की कटौती कर दी गई है। आईफोन 16 के 128 GB वेरिएंट के लिए शुरुआती कीमत $799 और आईफोन 16 प्लस के लिए $899 निर्धारित की गई है। वहीं एप्पल का पुराना आईफोन 15 अब लगभग ₹10,000 सस्ता हो गया है। इसके लिए ग्राहकों को अब $699 यानी कि ₹58,688 128 GB वेरिएंट के लिए देने होंगे। एप्पल आईफोन 14 को भी अब $599 यानी कि लगभग ₹50,000 में खरीदा जा सकता है। ये प्राइस इसके 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। आईफोन SE को आप अब $429 तकरीबन ₹36,000 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। जी हाँ, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ उसके तुरंत बाद आईफोन 14 और आईफोन 15 के दाम तेजी से घट गए। वहीं खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इनकी खरीद में भी खासा इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, अगर आप भी आईफोन 16 नहीं बल्कि आईफोन 14 और 15 खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।